ओम शांति, आप सबको स्वागत है। आज 14 अगस्त के ईश्वरवदान में, कल का दिन 15 अगस्त आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इंडिपेंडेंस डे भारतीयों के लिए। और सच्ची इंडिपेंडेंस तो तभी होगी जब हम अपनी कमजोरियों को, अपने अंदर के क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, आलस, अलबेलेपन के ऊपर जीत पा लें। तभी हम सच्चे तरीके से इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और हम किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे। तो देखें परमात्मा कहते क्या हैं 14 अगस्त के वरदान में। बाबा कहते हैं, स्मृति के महत्व को जान, अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अविनाशी तिलककारी बाबा। स्मृति रहेगी तभी तो हर कार्य होता है। अगर आप भूल जाए अपने चाबी कहाँ रखी है, स्मृति नहीं है आपको उसकी, तो मुश्किल हो जाती है ना। इसी तरीके से ज्ञान की बातों को हम भूल जाएं कि हम अपने माइंड को कैसे स्टेबल रखें, बुद्धि को कैसे एकाग्र रखें और संस्कारों को कैसे परिवर्तन करें। संस्कार मतलब हैबिट्स, और हैबिट्स ही इंसान का कैरेक्टर बनाती है, एटीट्यूड देती है उसको। तो परमात्मा कहते हैं अगर आप इन चीज़ों को भूल जाओगे तो आप कैसे आगे बढ़ोगे जीवन में। तो इसलिए परमात्मा चाहते हैं कि हम भी ये तीन चीज़ों को हम याद रखें। इसका तिलक अगर हम अपना लगा के रखें तो ये तीन चीज़ें हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ाएंगी। देखिए क्या चीज़ें हैं। भक्ति मार्ग में तिलक का बहुत महत्व है, राइट। हम तिलक लगाने जाते हैं, पंडित जी लगा देते हैं मंदिर में अगर जाएँ, और अगर हम जाएँ चर्च में तो क्रॉस कभी कभी लगाते हैं, फादर सर के ऊपर क्रॉस लगाते हैं। क्रॉस मतलब कि हाथ से, उंगलियों से लगा देते हैं, क्रॉस बना देते हैं, पहनाते नहीं हैं। लेकिन जब राज्य देते हैं तो तिलक लगाते हैं, ये एक प्रथा है भारत की, अभी तो बहुत जगहों पे नहीं हो रही है। सुहाग और भाग्य की निशानी भी तिलक है। हाँ, अगर आपको गद्दी मिल जाती है, राज गद्दी मिल जाती है, आप अगर मंत्री बन जाते हैं तो आपको तिलक लगाए जाते हैं। हाँ, सुहाग और भाग्य की निशानी भी तिलक है। अगर आपने शादी करी है तो आप मंदिर में जा करके, देवी देवताओं के सामने जा करके आप तिलक लगाते हैं। यह है देवी देवताओं के धर्म की बात कर रहे हैं, आदि सनातन धर्म में, जिसको आज हिंदू धर्म कहा जाता है। परमात्मा कहते हैं ज्ञान मार्ग में फिर स्मृति के तिलक का बहुत महत्व है। अब बात आती है भक्ति के लिए, बात आती है ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग में हमें तीन तिलक मिले हुए हैं, तो वो उसका महत्व बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी हमारी मन बुद्धि बहुत एकाग्र रहती है, कॉन्सेंट्रेटेड रहती है। जैसी स्मृति वैसी स्थिति होती है। अगर हम कोई चीज़ को याद रखें, जिसको अगर हम याद करने से अगर मन बुद्धि को स्टेबल कर सकते हैं तो हमारी स्थिति बहुत शक्तिशाली बनती है। अगर स्मृति श्रेष्ठ है तो स्थिति भी श्रेष्ठ होगी। स्मृति श्रेष्ठ है तो स्थिति भी श्रेष्ठ होगी, सही बात है। इसलिए बाप दादा ने बच्चों को तीन स्मृतियां का तिलक दिया है। स्व की स्मृति कि मैं कौन, मैं एक आत्मा हूँ। अगर हम सोल कॉन्शियस रहें, आत्मा अभिमानी रहें, तो ये सबसे शुद्ध अभिमान है, पवित्र अभिमान है। इसके अलावा धन का अभिमान, रूप रंग का अभिमान, दौलत का अभिमान, सर्टिफिकेशंस का अभिमान, कितनी क्वालिफिकेशन है दुनिया वाली उसका अभिमान, वो सारे अशुद्ध अभिमान है। तो परमात्मा कहते हैं इसलिए बाप दादा ने बच्चों को तीन स्मृतियों का तिलक दिया है। स्व की स्मृति ये हो गई, बाप की स्मृति इन्फाइनाइट पावर की स्मृति, और श्रेष्ठ कर्म के लिए ड्रामा की स्मृति कि इस समय कौन सा चल रहा है, ड्रामा के अंत का समय, इस समय हमें किस प्रकार की एक्टिंग करनी है, या तो हम विलन वाली कर लें या तो फिर हम हीरो वाली कर लें, परमात्मा सुपर हीरो के साथ। तो ये भी स्मृति है हमें, और ड्रामा की स्मृति होने से हमें पता चलता है कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होने वाला है वो भी अच्छा, और जो होगा उसके बारे में तो पता है क्या होने वाला आ गया हमें, वो भी कल्याण के लिए होगा। फिर परमात्मा कहते हैं स्व की स्मृति, बाप की स्मृति, और श्रेष्ठ कर्म के लिए ड्रामा की स्मृति, अमृत वेले। इन तीनों, अमृत वेला हो गया सुबह 4 बजे का समय, जबकि सारे लोग सोए होते हैं ज़्यादातर, और कोई धन के बारे में नहीं सोचता, कोई तन के बारे में नहीं सोचता, कोई मेकअप के बारे में नहीं सोचता, कोई खाने पीने के बारे में नहीं सोचता, उस समय सारे के सारे संकल्प पवित्र होते हैं। उस समय आप मेडिटेशन करें तो आपको अपने शरीर के बारे में इतना सोचना नहीं पड़ता, क्या खाऊं, क्या पीऊं, कहां जाऊं, क्या पहनूं, तो आप वो सारी चीज़ें उस समय कर सकते हैं। आप अपने ही मन बुद्धि को एकाग्र कर सकते हैं, और अपने मन बुद्धि के अंदर जो गलत वायरस घुसे हुए हैं, अहंकार का वायरस, क्रोध का वायरस, ईर्ष्या का वायरस, नफरत का वायरस, इसको निकाल सकते हैं। तो स्मृति अमृत वेले इन तीनों स्मृतियों का तिलक लगाने वाले अविनाशी तिलकधारी बच्चों की स्थिति सदा श्रेष्ठ रहती है। जो सुबह उठ करके ये चार बजे का तीनों तिलकों को लगा देते हैं, उनकी स्थिति अच्छी रहती है, स्मृति अच्छी रहती है, दिन भर उनको याद रहता है कि मुझे करना क्या है, सोचना क्या है, ताकि मेरा मन बुद्धि एकाग्र रहे। आप भी सीख सकते हैं ब्रह्म कुमारी इसमें आकर के। इसके साथ ओम शांति।